गाइस टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रेसिडेंट एविल 7 पार्ट 8 के अंदर। ओके सो और थोड़ा गेम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पार्ट 7 के अंदर ये हुआ था कि आपको पता होगा एक आंटी, वो कीड़े मकोड़े वाली आंटी, वो बड़ी ही खतरनाक है और बहुत डेंजरस भी है। और हमें क्रू की मिली थी पार्ट 7 के अंदर, क्रू की के साथ साथ हमें क्रू ओके एक और डोर भी खोला था और बहुत कुछ एक्सप्लोर भी किया था। और हमें आपको पता होगा जो क्या बोल सकते उसे, सिरिंज बोल सकते, नहीं सिरिंज नहीं बोल सकते उसको, एंटीवायरस या फिर कुछ है, कुछ इंजेक्शन टाइप, मैं भी भूल गया, उसे हमें खुद बनाना है मियाँ को ठीक करने के लिए। एंटीवायरस बोल सकते, एंटीवायरस नहीं क्या बोल सकते उसे, आगे कंटिन्यू करते, बट हमें वो खुद बनाना है, ठीक है। और मेन हमें एक डोर को खोलना है, जिस डोर को खोलने के लिए एक लैंटर्न लगती है और वही लैंटर्न वो आंटी लेके घूमती है। बट हम जब एक गड्ढे में गिरे थे तो वो आंटी भी वही गड्ढे में गिर गई लैंटर्न के साथ, और हम जब रिटर्न आए वो लैंटर्न लेने तो आंटी वहाँ थी नहीं, बट आंटी की जगह कोई और था। अजीब तरीके से चल के वो लैंटर्न लेके भाग गई। सो गेम को कंटिन्यू करते और देखते कौन था वो। कंटिन्यू, यस। Stranger after searching the old house find out the okay serum, हाँ serum, हमें वो serum बनाना है, ठीक है। और वो serum D series had an arm, Zoe say she has the head, so Ethan just find the arm into the old house, ठीक है। हमें syringe बनाने के लिए कुछ तो लगने वाला है सामान, वो हमें सामान खुद ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमें वो पहले वो देखना पड़ेगा कि वो था कौन, वो चुड़ैल, वो आंटी थी कि फिर कोई और था, या तो फिर वो बुढ़ा या फिर से जाग गया होगा, मेरे को नहीं पता, बट मेरे को लगता है वो बुढ़ा होगा क्योंकि वो बुढ़ा मर नहीं रहा है और वो जाग के भी फिर से उड़ जा रहा है, ठीक है। तो देखते हो अगर वो बुढ़ा हुआ तो फिर तो भाई बहुत खतरनाक गेम होगा। ओके सो गेम स्टार्ट हो। यहाँ क्या है भाई, बाथरूम के अंदर कौन, कमोड के अंदर कौन एमो रखता है भाई, क्या पागल भी हो गया, कमोड के अंदर एमो रखा है भाई साहब। एक सेकेंड, ओके ठीक है, हमारे पास कुछ एमोज वगैरह आ चुके। एक सेकेंड, अगर मैं हॉक्स को यार इसने तो यूज कर लिया हॉक्स को, कोई बात नहीं, इसको खोलते और ना पिस्टल को ले लेते, पिस्तौल। हाँ यार इसकी एमो नहीं है तो किसकी एमो है भाई, ये 44 मैग किसकी एमो है, ये पिस्तौल की एमो है ना। एक सेकेंड, वो ब्रिक पिस्तौल है ना शायद, एक सेकेंड रुकने दो मेरे को, ये तो ब्रिक पिस्तौल है मतलब टूटी हुई है, ठीक है। अभी चलते किसका आवाज था, भाई गन ले लो हाथ में, रिलोड कर ले भाई तू। ओए वो दरवाजा कहाँ था, ये ना, इसको बंद कर दो। कुंडी लगा सकता हूँ मैं, नहीं लगा सकता मैं कुंडी, एक सेकंड कुछ तो है। ओए रेड पैच, हाँ इससे मैं ना हेल्थ की कुछ बना सकता हूँ, देखने दो। कंबाइंड कुछ नहीं कर सकता मैं, हाँ अभी नहीं, तो मैं कंबाइंड कहाँ से करूँगा, ठीक है। हाँ एक बार कैसे आवाज़ आ रही है, इट्स लॉक फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है। तो फिर एक इस जगह में सिर्फ एक ही, यहाँ से तो मैं ऊपर आया था, ठीक है, नहीं नीचे नहीं जाना मुझे, ऊपर जाना,
तो फिर ये एक ही डोर बचा है जहां पे मैं जा सकता हूँ। कैसे कैसे आवाज आ रहे भाई, डरा मत रे तुम लोग। देखो लॉक पिक का यूज है ना यहाँ पर, इसलिए मैं यूज लॉक पिक लेकर आया था। ओए एक और कुछ फ्लेयर ग्रेनेड्स मिले हमें, ये का इनका कोई यूज क्या है वो पता नहीं चल रहा हमें। और कुछ हब्स वगैरह दे दो भाई, क्योंकि अगर हब्स नहीं, एक काम करते हैं हब्स को भी छोड़ो। मेरा बैग बैग में कितनी स्पेस है भाई, एक ही स्पेस है, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसका यूज़ क्या है मैं देखता हूँ पहले, एक सेकेंड यूज देखने दो। कैन बी कम्बाइन विथ सम आइटम टू स्प्रेड द क्लेम्स फिल फ्रॉम दैम इन टू अनयूजेबल आइटम। ठीक है भाई, अभी के लिए तो कुछ काम नहीं आ रहा है ये। एक बार ना तो भाई एक तरह से एकदम एक टाइप से गोदाम लग रहा है मेरे को किसी चीज का। यार पिस्तौल क्या मैं दे रही, किस क्या मैं दे रही है लोग, शॉटगन क्या मैं दे रहे हैं ना। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं पिस्तौल लाया नहीं। ओए ये कैसे आवाज आ रहे हैं, क्योंकि मैं पिस्तौल लाया नहीं। ठीक है ओए किसका आवाज आ रहा है वो भाई, गन ले लो ऐसी जगह पे ना, गन ले लो। द गेट इज ब्लॉकिंग द वे। ओके कुछ तो अजीब टाइप का ये चिपचिपा सा लगा रखा है, जो कुछ तो होना चाहिए यार यहाँ पर। कोई बात नहीं, ऊपर चलते पहले। क्यों कौन ये कौन है भाई, ये आंटी है, वो सटिया वो आंटी है, क्या बात कर रहा है ऐसी। यार बर्नर दो बर्नर, मेरे पास कुछ क्राफ्ट करने के लिए कुछ है यार। एक सेकेंड ना, मैं इसको यार मैं इसको ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार मैं इसको ड्रॉप कर पा रहा हूँ, डिलीट कर दो। वैसे भी कुछ काम की चीज़ है नहीं।
यार बर्नर मिला जैसे यार कुछ और भी दे दो। ओ यार पिस्तल क्या मुझे दे रही है? पिस्तल दे रहे मेरे पापा, जबकि मेरे पास पिस्तल नहीं है। Stay dead, okay? ये क्या था भाई? ये क्या हुआ जस्ट? कुछ ना कुछ तो कांड हुआ। क्या है भाई ये? The patch। एक सेकंड मुझे कुछ करना। अच्छा एक काम करते हैं, हेल्थ किट भी बना लेते ना। एक हो गया भाई। ये बड़ा वाला बन सकता ना? बड़ा वाला बन गया। पैच ले लो, पैच ले रहे। अब मेरे को पिस्तल की एमो मिली, बट शॉटगन क्या बोलिए, पिस्टल क्या हुआ है इसका? मैं कुछ ना मतलब इसको यूज कैसे करूं? जाओ ओ लैंटर। ओए लैंटर अपने क्या कहाँ छुपा के रखा था रे इसने लैंटर? एक और पैच है यहाँ पे, हेल्थ किट बना सकता हूँ मैं बहुत सारी। यहाँ पे लूटनी जैसी बहुत सी चीज है। ओए हाँ एक काम करते इसका यूज कर सकते क्या? चलो अब आ गई हमारे पास, अब हम एक हेल्थ किट बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास हेल्थ किट जरा भी नहीं थी। और एक पैच ले सकते हैं। यहाँ पे देखना का यही कहीं पे हर्ब्स भी पड़ी होगी क्योंकि हर्ब्स ना यूजुअली दिखती नहीं है ज़्यादा करके। यार एमोस मिल रही है भी। एक सेकंड पे जाना, रुक जा। यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। रुक जा यहाँ पे हर्ब्स होगी, होगी हर्ब्स होगी क्योंकि अगर मैंने और इसे डिलीट कर दिया तो वाट लग जाएगी। ओए बर्नर, एक और बर्नर मिल गया हमें। यार हर्ब्स हर्ब्स जो चीज़ यार जब चाहिए रही थी तब मिलती नहीं है। ओके एक बार ऊपर ट्राई करते हैं। ओए
बताओ सारे। ऐसा लग रहा है कोई वापिस से जिंदा वाला। बर्नर मिला मुझे। ओए यहाँ पे तो है ही नहीं हब्स। पर सामने जाकर आता हूँ मैं। सामने भी नहीं, सामने भी नहीं है। ओए हैंडगन के एमोस मिल रही है, बहुत सारे हैंडगन के एमो मिल रही है। थक और मिल सकती, बहुत सी एमो, बहुत सारी एमो मिल जाएगी। काम करते इसको अभी के लिए ना। हाँ बार एक शॉटगन का बुलेट मार के देखो ना। नहीं है यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या यूज होगा। ओए हमारे पास बर्नर साढ़े बहुत सारे बर्नर्स हो गए। यहाँ से भी एक ये पैच उठा लेते ना। ओके सो ये ऐसे ही रहते क्या? ओए मैं इससे बर्नर बना सकता हूँ, क्या बात है वो तिरकी। मुझे नहीं पता था इससे बर्नर बनता है। तो शायद से ये है हमारे पास सॉलिड। हाँ ये है ना, ये रहे दो है, दो और बर्नर बन जाएंगे। अभी के लिए हेल्थ किट्स तो है नहीं, तो बर्नर ही बना लेते हैं। 500 बर्नर हो गया ठीक है। इसका भी ट्राई करते हैं ना, ये पता नहीं कहाँ पे यूज हो जाए। ये यूज नहीं हो रहा। ये चीजें हटाने के लिए शायद से मैंने अगर पढ़ा था ना, तो ये कुछ भी चीजें हटा सकता है, मतलब कि अनयूजुअल चीज बना सकता है ये। दो हमारे पास मेडिकेट पड़ी है ना, ये 44 mm की गोली तो हमें नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए? हैंडगन है मुझकी चाहिए ठीक है। चलो अब हम घर के अंदर जा रहे, तो हमें स्कॉर्पियन की और क्रोक की ठीक है, हमें ये दो कीस की जरूरत पड़ेगी और पिस्तौल की भी जरूरत पड़ेगी। भाई पिस्तौल तो मेन है अपनी ठीक है। ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़नी थी और हमने ले ली, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ये क्या है? ये यूज़ कहाँ होता है वो पता नहीं चलता मुझे अब तक। सप्लाईमेंट, एक सेकेंड, अगर मैं किसी की को अंदर रखूँ बाहर लाऊँ नहीं जान। अरे भाई जा पुलिस को, इसको अंदर डाल, क्योंकि क्रो अंदर, क्रो की का यूज़ होना अंदर है। हाँ क्रो की यूज़ हो गया अंदर ठीक है। अरे चलो अरे जाना कहाँ पे था? अरे हाँ अभी यहीं पे जाना था मुझे, नहीं वेयर हाउस में जाना था मुझे। और वहाँ एक सेकंड कुछ है मैं यहाँ पे ये पढ़ा ना, कोई तेरे की मेरे पास हेल्थ किट नहीं है। एक काम करते बाद में ले लेंगे इसको। ये दरवाज़ा तो खुल गया, एक सेकंड देखते थे यहाँ पे कुछ। ये आवाज करता है ना, इसको इसको फुटाओ यहाँ से। ओए भाई बोलना मत कि ये मगरमच्छ उठ के साला काटेगा मेरे को। वो तेरी की लाइट बंद हो रही है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ओए तेरी की भाई शॉटगन ले ले, नहीं एक पिस्तल ले, रिलोड कर जी ठीक है। लोड कर ले ठीक है। मेरी भाई बहुत डर लग रहा है मेरे को आगे जाने के लिए। यहाँ पे कुछ है क्या? ओए बॉल कौन फेंका बे? कोई तो है बे, कोई जूते ही जूते भाई। कौन रहता है भाई इतना जूते, इतने जूते रख के क्या करेगा भाई?
अरे भाई ये क्या है बे? किसी टाइप का ड्राइंग्स है। अरे भालू उठ के मारियो मत मेरे को, ठीक है? यहाँ पे भी कोई चीज मतलब, ओए यहाँ पे पक्का वो मॉन्स्टर्स होंगे। देखो अगर आपने नोटिस किया ये डोर मतलब यहाँ से बंद है। ओ तेरे की भाई डरा दिया रे इन्होंने तो। यार यहाँ पे ना शॉटगन रखने का, ठीक है? समथिंग रॉन्ग विथ हर। यार जो भी आया ना सर सर फोड़ दूंगा उसका मैं, ठीक है? आइयो मत पास में। दरवाजा कौन बंद किया था बे? अरे दरवाजा काहे बंद किया तुम्हारे? ओए क्या हुआ भाई, Stay away. कौन है बे, कौन बोल के गया बे? कौन बोला से आवे? भाई क्या है, कैसे कैसे कांड बना रखे हो तुमने? एक सेकेंड, कुछ टाइप का लीवर जैसा कुछ है बट पता नहीं क्या ही है। क्या करूं मैं यहाँ पर? हाँ करना क्या है भाई मुझे? यहाँ पे कुछ लीवर टाइप बना है। ओए भाई सीक्रेट डोर। ओ तेरी की ये क्या है बे? डी सी, ओके डी सीरम आम। ओ तेरी की Oh God, I guess this is it. वही ग्रैनी, तेरा तो हाथ निकाल लिया मैंने तो। उठना चाहिए, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कुछ कुछ होने वाला लगता है। वही कोई था, कोई था भैंस की, कौन है बे? भाई भाग लो। तेरी माँ की मैं मारू भोसड़ी के। ठीक है, तेरे को पल्ले नहीं पड़ता, मेरी भाषा लेनी पड़ती, ठीक है? तू शॉटगन की भाषा ले बस। भैंस के साथ डरा हूं ना मैं, सच में बता रहा हूं। इतना इतना मैं कभी नहीं डरा, इतना तो मैं आज तक नहीं डरा भाई। भाई भाग लें दो, शॉटगन रख भाई, तू हाथ में शॉटगन रख, ठीक है? मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। पता था तुम राम के लौंडो उठोगे, इसके लिए मैंने शॉटगन रखा था, ठीक है? अब क्या करूं, ये हाथ का झाड़ डालू मैं? नहीं काम करते, एक हाथ। ओए ओए भाई ये किस टाइप का वैनम था बे? भाई अलग ही टाइप का वैनम आया इस बार तो। ओके सो लेट्स गो, उसको इस वाले हाथ को लगाते हैं यहाँ पर, देखते क्या होता है। तो जा भाई, क्या है, किसका फोन है भाई? Did you find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here together. I'll be waiting for you in the trailer. All right.
ट्रेलर? वो ट्रेलर के अंदर वेट कर रही है? कैसे? वो ट्रेलर के अंदर कैसे आई? बट वो ट्रेलर के अंदर कैसे आई गाइस? यार ये तो अजीब ही हो रखा है यार, वो ट्रेलर के अंदर जा कैसे सकती है भाई, जबकि ट्रेलर मतलब वहां पे अंदर आने का कोई और रास्ता है ही नहीं। ट्रेलर ट्रेलर के अंदर कुछ ना कुछ ये तो प्रॉब्लम है, पता नहीं वो ट्रेलर के अंदर कैसे आई। अरे यार सो चलते ट्रेलर के अंदर और देखते कि वो ट्रेलर के पास आई कैसे। लेट्स गो भाई, अब मैं ना अपनी शॉटगन वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि शॉटगन के एमोज बहुत कम है मेरे पास, ठीक है। और जल्द में चलते चक्कू लेके, कोई बोलेगा भाई मेरे पास बस चक्कू है, ऐसे तंग मत लो वरना खून कर दूंगा चक्कू से ही। भाई गन ले ले वरना पता नहीं फिर चक्कू लेके कोई चक्कू से मार पाते हम। उसने कहा बोला था कौन से पे वेट कर, ट्रेलर के अंदर, ठीक है ट्रेलर के अंदर वेट। भाई कैसे आवाज आ रही है यहाँ पर भाई, मैं जा रहा हूँ ट्रेलर के अंदर फटाफट, ठीक है मैं ट्रेलर को बंद कर रहा हूँ। ओके किसका फोन आया भाई? Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy. I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me, and they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? That's family business, Ethan, and not your concern, understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. Okay. But only if you participate in a little activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited. But don't worry, it's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, don't you? Okay. Now, look in the fridge. Look in the fridge. So, रुको गाइस, सबसे पहले फ्रिज के अंदर देख रहे हो, फ्रिज के अंदर क्या है भाई? ओए ओ तुर्की, ये किसकी खोपड़ी है बे? भाई साहब ये तो सच में सटिया हूँ एक नंबर का। रुक जाओ गाइस, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ। जूई ऑलरेडी मतलब यहाँ पे आई थी, और इसके ये जो है ये पता नहीं कौन ही था ये लड़का, इसने उसको किडनैप कर लिया, मतलब कि जोई और जिसने मियाँ को साथ में रखा है, इसने जोई और मियाँ को दोनों को साथ में रखा है। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, अब हमें एक को छुड़ाना था, अब हमें दोनों को छुड़ाना पड़ेगा। सो एनी वे गाइस, दैट्स इट फॉर द टुडे। ओके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम ओ तिरकी भाई क्या ही हो रखा है भाई तुम लोग को, हाँ नहीं तो नाचने लगे हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, इसके आगे का पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम देखेंगे कि जोई और मिया को कैसे बचाए, ठीक है। ओके सेव कर दे गेम को, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।